दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे तो काफी कमाल के स्मार्टफोन के बीच में, जिसमें हमारा पहला स्मार्टफोन है पोको F4 5G वर्सेस OnePlus 10R 5G स्मार्टफोन। और आपको बताएंगे दोस्तों दोनों स्मार्टफोन में से किसका कैमरा ज्यादा बढ़िया है, किसकी डिस्प्ले ज्यादा बढ़िया है या ओवरऑल कौन सा फोन यहाँ पर ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। और यकीन मानिए दोस्तों इस वीडियो से आपकी बहुत ही ज्यादा हेल्प होने वाली है। तो दोस्तों अगर आपकी हेल्प हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं और यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले की। तो आपको बता दूंगी पोको के अंदर हमें 6.67 इंचेस की फुल एचडी प्लस E4 एमोलेड डिस्प्ले दी गई है जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। और वहीं दूसरी तरफ OnePlus के अंदर हमें 6.7 इंचेस की फुल एचडी प्लस फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले दी गई है जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। यानी कि दोस्तों कंटेंट वॉचिंग के हिसाब से भाई साहब दोनों ही डिस्प्ले यहां पर एकदम नेक्स्ट लेवल है। और वहीं अगर बात की जाए पिक्सल डेंसिटी की तो यहां पर पोको फोन के अंदर है 395 PPI, वहीं दूसरी तरफ OnePlus फोन के अंदर है 394 PPI। साथ ही दोस्तों दोनों स्मार्टफोन का एस्पेक्ट रेशियो है 20:9। और वहीं अगर हम बात करें स्क्रीन प्रोटेक्शन की तो दोनों स्मार्टफोन यहां पर गोरिल्ला ग्लास 5 के प्रोटेक्शन के साथ में आते हैं जो कि काफी अच्छी बात है। और अब बात करते हैं दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो आपको बता दूं कि पोको का फोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 12 के साथ में आता है जो कि MIUI 13 पर बेस्ड है। और वहीं दूसरी तरफ OnePlus का फोन भी आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 12 के साथ में आता है जो कि ऑक्सीजन OS 12.1 पर बेस्ड है। यानी कि दोस्तों यहां पर ऑपरेटिंग सिस्टम और UI दोनों ही मामलों में दोनों स्मार्टफोन भाई तगड़े हैं। और अब बारी आती है दोस्तों चिपसेट की। तो आपको बता दूं कि पोको के अंदर हमें स्नैपड्रैगन 875G चिपसेट दिया गया है जो कि 7 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। और वहीं दूसरी तरफ OnePlus के अंदर हमें डायमेंसिटी 8100 मैक्स 5G चिपसेट दिया गया है जो कि 5 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। यानी कि दोस्तों यहां पर भाई साहब दोनों ही चिपसेट एकदम तगड़े हैं। और अगर आप स्पेशली गेमिंग के लिए फोन लेना चाहते हैं ना तो भाई कोई दिक्कत नहीं होने वाली, मक्खन गेमिंग करा देंगे आपको दोनों ही स्मार्टफोन। और वहीं अगर हम बात करें एंथ्रू स्कोर की तो यहां पर पोको फोन का आता है 7,10,000 के करीब, वहीं दूसरी तरफ OnePlus फोन का आता है 7,95,000 के करीब। यानी कि दोस्तों हमें दोनों स्मार्टफोन के अंदर एक काफी अच्छा एंथ्रू स्कोर देखने को भी मिल जाता है। और अब बात करते हैं दोस्तों दोनों स्मार्टफोन के बैक कैमरा सेटअप की। तो आपको बता दूं कि दोनों स्मार्टफोन के बैक में हमें ट्रिपल कैमरा का सेटअप दिया गया है। और सबसे पहले हम बात करते हैं पोको की। तो पोको के फोन का मेन कैमरा है 64 MP का, अल्ट्रा वाइड कैमरा है 8 MP का और जो मैक्रो कैमरा वो है 2 MP का। और वहीं दूसरी तरफ OnePlus फोन का मेन कैमरा 50 MP का, अल्ट्रा वाइड कैमरा है 8 MP का और जो मैक्रो कैमरा वो है 2 MP का। यानी कि दोस्तों आपको दोनों स्मार्टफोन के बैक में भाई साहब एकदम बढ़िया कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। और वहीं अगर हम बात करें मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग की तो दोनों स्मार्टफोन के बैक कैमरा से आप मैक्सिमम 4K तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। साथ ही दोनों स्मार्टफोन यहां पर स्लो मोशन मोड को भी सपोर्ट करते हैं। और अगर यहां बात की जाए वीडियो स्टेबलाइजेशन की तो दोनों स्मार्टफोन यहां पर OIS प्लस EIS टेक्नोलॉजी के साथ में आते हैं। और अब बात करते हैं दोस्तों फ्रंट कैमरा की। तो आपको बता दूं कि पोको के फ्रंट में हमें 20 MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है, वहीं दूसरी तरफ OnePlus के फ्रंट में हमें 16 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। यानी कि भाई सेल्फी लवर्स के हिसाब से यहां पर दोनों स्मार्टफोन तगड़े हैं। और वहीं अगर मैं बात करूं मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग की तो दोनों स्मार्टफोन के फ्रंट कैमरा से आप मैक्सिमम 1080 तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और अब बात करते हैं दोस्तों बैटरी की। तो आपको बता दूं कि पोको का फोन 4500 mAh की बैटरी के साथ में आता है जो कि 67 W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। और वहीं दूसरी तरफ OnePlus का फोन 5000 mAh की बड़ी बैटरी के साथ में आता है जो कि 80 W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। और इसका एक और वेरिएंट है टॉप में जाके जो कि 4500 mAh की बैटरी है जो कि 150 W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। और वहीं अगर मैं बात करूं नेटवर्क कनेक्टिविटी की तो दोनों स्मार्टफोन यहां पर 5G कनेक्टिविटी के साथ में आते हैं। साथ ही दोस्तों दोनों स्मार्टफोन यहां पर NFC को भी सपोर्ट करते हैं। और वहीं अगर हम बात करें 3.5mm जैक की तो हमें दोनों स्मार्टफोन में से किसी में भी नहीं दिया गया है, लेकिन स्टीरियो स्पीकर्स हमें दोनों स्मार्टफोन के अंदर दिए गए हैं। यानी म्यूजिक लिस्निंग के हिसाब से भाई साहब यहां पर दोनों स्मार्टफोन तगड़े हैं। और वहीं अगर मैं बात करूं सिक्योरिटी की तो यहां पर पोको फोन के अंदर हमें इनसाइड फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक दिया गया है, वहीं दूसरी तरफ OnePlus फोन के अंदर हमें अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक देखने को मिल जाता है। यानी कि भाई सिक्योरिटी के मामले में यहां पर OnePlus का फोन बेस्ट है। और अब लास्ट में बात करते हैं दोस्तों दोनों स्मार्टफोन की प्राइसिंग की। तो आपको बता दूं कि पोको फोन के 8+128GB वेरिएंट की कीमत है 29,999 रुपए, वहीं दूसरी तरफ OnePlus फोन के 8+128GB वेरिएंट की कीमत है 38,999 रुपए। बाकी दोस्तों पसंद आपके कि आपको दोनों स्मार्टफोन में से किस वाले को बाय करना है, पोको को या OnePlus को, कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा। और बाकी दोस्तों अगर मैं यहां पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं दोनों स्मार्टफोन के लिए तो भाई मैं तो यार यहां पर पोको की तरफ ही जरूर से जाना चाहूंगा, क्योंकि सेम स्पेसिफिकेशन हमें कम कीमत पे 8-9 हजार रुपए कम कीमत पे मिल रहे हैं। तो भाई मैं क्यों ना जाऊं पोको की तरफ।
गेमिंग करनी है स्पेशली, बढ़िया चिपसेट हमें मिल तो रहा है, कैमरा भी हमें बढ़िया मिल रहा है। तो बस दोस्तों यही थे मेरे कुछ ऑनेस्ट ओपिनियंस इन दोनों स्मार्टफोन्स के लिए। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलेगा। और साथ ही दोस्तों अगर आप इन दोनों स्मार्टफोन में से किसी वाले को भी बाय करना चाहते हैं तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप इन्हें बाय कर सकते हैं। और साथ ही दोस्तों स्मार्टफोन से रिलेटेड ऐसे इंटरेस्टिंग कंपैरिजन देखने के लिए हमारे चैनल गैजेट्स पॉइंट को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।